और इसके साथ ही मैंने जो 15 लाख रुपये मिला के चैलेंज बाई भारतीय विज्ञान और युक्तिकारी समिति ये पोस्ट लिखी है, इस पोस्ट के बाद भी मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर किसी ज्योतिष ने साबित कर दिया वाकई में ज्योतिष शास्त्र विज्ञान है तो उन्हें जरूर 50 लाख रुपये मिलेंगे। यह खुली चुनौती है। इसके बारे में भी मैं विस्तारित रूप से आऊंगा कि यह 50 लाख रुपये की चुनौती किसने दी है, उसके बारे में भी आप इस इंटरनेट डिजिटल के दुनिया में आप खुद से जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जो लोग सोशल मीडिया में सिर्फ इस कोई महत्वपूर्ण पोस्ट का महत्वपूर्ण बात या चुनौती का मजाक बनाने की कोशिश करते हैं वे लोग खुद मजाक बनते हैं, समाज अपनी दृष्टि में नहीं पूरे समाज की दृष्टि में। इसलिए खुद का मजाक मत बनाइए क्योंकि यह चुनौती है, गंभीर चुनौती है। हिम्मत है तो चुनौती लीजिए और तंत्र मन जादू टोना ज्योतिष शास्त्र तांत्रिक आदि जो भी दावा करते हैं उसे प्रमाणित करिए। लेकिन बिना प्रमाणित किए प्रमाण दिए यूं मजाक बनाएंगे मजाकिया टिप्पणी करेंगे तो समाज आपको घुमाकर एक न एक दिन जरूर आपका मजाक उड़ाएगा। उस दिन आपको समझ में आ सकता है कि मैंने संतोष शर्मा की पोस्ट का मजाक बनाकर खुद का मजाक बनाया। हमारा उद्देश्य है कि चुनौती या चैलेंज के माध्यम से लोगों को जागरूक करना। हमारा उद्देश्य है कि समाज में फैले अंधविश्वास को मुक्त करने के लिए हम चुनौती देते हैं, चैलेंज देते हैं उन तांत्रिकों को, बाबाओं को, ज्योतिषियों को जो दावा करते हैं कि उनके पास ज्ञान है, दैविक ज्ञान है, अलौकिक ज्ञान है, अलौकिक शक्ति है और वह कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे पाखंडियों की पोल खोलने के लिए हम युक्तिवादी चुनौती देते हैं और चुनौती तब तक रहेगी जब तक यह साबित न कर दे कोई ज्योतिषी या तांत्रिक कोई बाबा जी कि वाकई में तंत्र मन जादू टोना है। यह चुनौती तब तक रहेगी जब तक चमत्कार का प्रमाण ना मिल जाए। इसलिए चुनौती, खुली चुनौती, ओपन चैलेंज हमेशा के लिए है, आज भी है और कल भी रहेगा। जब तक रहेगा तब तक कोई ज्योतिषी या तांत्रिक सामने आकर अपने ज्ञान का सटीक प्रमाण ना दे दे। इसलिए सोशल मीडिया में मेरा इस तरह का पोस्ट जारी रहेगा, आगे भी मैं लिखता रहूंगा और उन मजकिया उन दो मुही मतलबी लोगों की मुंह तोड़ जवाब हमेशा देता रहूंगा। तो चलिए भारतीय विज्ञान और युक्तिवादी समिति अंग्रेजी में साइंस एंड रैशनलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने चमत्कार को जो 15 लाख रुपए की जो चुनौती की है उसके बारे में आपको विस्तारित रूप से बताते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पे चमत्कार को चुनौती साइंस एंड रैशनलिस्ट एसोसिएशन जो पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित एक संगठन है उसने दी है और मैं उस संगठन का संयुक्त सचिव हूँ। संयुक्त सचिव होने के नाते मैंने सोशल मीडिया में पोस्ट लिखकर लोगों को यह जानकारी दी थी कि अगर आप विश्वास करते हैं कि तंत्र मंत्र है, जादू टोना है, चमत्कार है तो आप चुनौती का सामना करिए। अगर कोई ज्योतिषी दावा करता है कि उनके पास ज्योतिष शास्त्र ज्ञान है तो आप अपने ज्ञान का प्रमाण दीजिए, युक्तिवादी समिति की ओर से जो चुनौती दी गई है उसका सामना करिए। अगर कोई तांत्रिक कहता है कि मेरे पास तंत्र साधना दैवी शक्ति है तो आप अपने शक्ति का प्रमाण दीजिए, सिर्फ दावा मत करिए। दावा तो जो कुछ किया जा सकता है, अगर मैं अभी दावा करूं कि रात 12 बजे हैं और मैं रात 12 बजे 2 मिनट बाद गायब हो जाऊंगा और ठीक रात 1 बजे फिर प्रकट हो जाऊंगा तो क्या आप मेरी बातों को मान लेंगे? मैं तो दावा कर ही सकता हूं कि अभी रात के 12 बजे हैं और 12:20 में मैं गायब हो जाऊंगा और ठीक 1 घंटे बाद 1:20 में मैं फिर प्रकट हो जाऊंगा तो क्या मेरे दावे को आप गलत साबित कर पाएंगे? इसलिए इस तथ्य के द्वारा हम आपको यही बताना चाहते हैं कि जो लोग दावा करते हैं कि उनके पास चमत्कारी शक्ति है, अलौकिक शक्ति है, उन्हें ही यह प्रमाण देना पड़ेगा कि वाकई में तंत्र मन जादू टोना का शक्ति है, अलौकिक शक्ति है नहीं। सिर्फ दावा करने से नहीं होगा। अगर आप सिर्फ दावा करते रहेंगे
तो हमारे जैसे रैशनलिस्ट या तर्कवादी आप पे उंगली उठाएंगे, आपकी आलोचना करेंगे कि आप झूठा दावा करते हैं, आपके पास कोई भी चमत्कारी शक्ति अलौकिक शक्ति नहीं है, अलौकिक या चमत्कारी शक्ति का वास्तव में अस्तित्व नहीं हो सकता है। हम रैशनलिस्ट चुनौती के साथ यह भी कहेंगे कि जो जितना बड़ा तांत्रिक वह उतना ही बड़ा चिटिंगबाज। हम चुनौती के साथ यह भी कहेंगे कि जो जितना बड़ा ज्योतिषी वह उतना ही बड़ा पाखंडी। इसलिए हम जो कहते हैं, हम जो चुनौती देते हैं उस पर अड़े हुए हैं, अडिग हैं। और जो लोग दावा करते हैं कि वाकई लोगों का भाग बदला जा सकता है, ज्योतिष शास्त्र के द्वारा किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है, या ज्योतिष शास्त्र के द्वारा ज्योतिषी भविष्यवाणी कर सकता है, ऐसे दावे को आप प्रमाण करिए। हम रैशनलिस्ट को सामने, हम युक्तिवादी समिति के सामने, तो आपको हमारी युक्तिवादी समिति की ओर से आपको 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये तो हुई भारतीय विज्ञान और युक्तिवादी समिति, जो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में इसका मुख्यालय है और उसका मैं संयुक्त सचिव हूँ। आप चाहे इस लाइव के माध्यम से आप संपर्क करिए, मेरा नंबर सोशल मीडिया में भी है और साइंस एंड एथलीट एसोसिएशन का संपर्क नंबर भी आपको गूगल से मिल जाएगा, आप वहां से संपर्क करिए। और यदि चुनौती लेना चाहते हैं तो मैंने इससे पहले जो सोशल मीडिया में पोस्ट दिखाया था उस पोस्ट को पढ़िए, वहां मेरा संपर्क नंबर है, आप फोन करिए और चुनौती लीजिए। लेकिन यही कहूंगा कि बड़ा बड़ा दावा, बड़ी बातें मत करिए। अगर आपके पास सही में तंत्र मंत्र का ज्ञान है, शक्ति है, तो प्रमाण दीजिए, गोल मटोल और इधर उधर की बातें मत बनाइए। अगर आप ज्योतिषी हैं तो आप चुनौती का सामना करिए, लेकिन गोल मटोल ये मत बताइए कि मैंने अमुक का भाग बदल दिया था, मेरी बातें सच हो गई, मैंने जो भविष्यवाणी की थी वह सच साबित हुई है, इस तरह की कहानियां मत सुनाइए। हम रैशनलिस्ट है, युक्तिवादी है और हम चुनौती पे विश्वास करते हैं, चुनौती के द्वारा सच साबित हो सकता है, सत्य का प्रमाण हो सकता है। इसलिए चुनौती लीजिए और अपने दावे को सत्य साबित करिए। चमत्कार को चुनौती, चमत्कार को चुनौती, यानी जो लोग दावा करते हैं उनके पास चमत्कारी शक्ति है, उनके पास ज्योतिष शास्त्र ज्ञान है, तंत्र मंत्र का ज्ञान है, दैवी शक्ति प्राप्त है, तो उन्हें 50 लाख ही नहीं बल्कि 1 करोड़ रुपए तक का इनाम का घोषणा किया हुआ है। भारतीय विज्ञान और युक्तिवादी समिति ने चमत्कार को 50 लाख रुपए की चुनौती दी है। वहीं ऐसे और एक संगठन है जिसने चमत्कार को 1 करोड़ रुपए की चुनौती दी है। आप चाहे उस संगठन के चुनौती का भी सामना करिए और 1 करोड़ जीत के जाइए। अगर आप वाकई में चुनौती का सामना करते हैं और चुनौती जीत जाते हैं तो इससे यह साबित हो जाएगा कि वाकई में ज्योतिष शास्त्र विज्ञान है। चुनौती जीत कर आप ये साबित कर सकते हैं कि वाकई में तांत्रिकों के पास तंत्र मंत्र शक्ति होती है, दैवी शक्ति, अलौकिक शक्ति होती है। इसलिए चमत्कार को साबित करने के लिए चुनौती लीजिए। सिर्फ तांत्रिक बनकर आप लोगों को ठगते हैं, ज्योतिष बनकर लोगों को ठगते हैं, ओझा बनकर लोगों को ठगते हैं, तो ठगने के लिए और ठगिए, लेकिन इससे पहले आप तो ये साबित तो कर दीजिए चुनौती लेकर कि वाकई में ज्योतिष शास्त्र एक विज्ञान आधारित शास्त्र है, तंत्र मंत्र का अस्तित्व है, जादू टोना का अस्तित्व है, अलौकिक शक्ति, दैवी शक्ति का अस्तित्व है। इसके लिए चुनौती लीजिए, 1 करोड़ इनाम जीतिए और खुलेआम लोगों को ठगिए। उस वक्त हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जब तक आप चुनौती नहीं लेंगे तब तक हम युक्तिवादी आपको चुनौती देते ही रहेंगे, देते ही रहेंगे, देते रहेंगे। इसलिए जब युक्तिवादी समिति, साइंस एंड रैशनलिस्ट एसोसिएशन ने चमत्कार को खुलेआम खुली 50 लाख रुपए की चुनौती दी है, तो उस चुनौती का सामना तो करिए।